में 3D स्टोरेज कैबिनेट गूगल स्केचअप में कैसे बनाएंगे इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले गूगल स्केचअप में जाएं। अगर आपके पास कोई 2D ड्राइंग हो तो उसे देखकर बनाएं, जैसा कि इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले 2D का व्यू बना लें, डायमेंशन को फॉलो करते हुए सभी पार्ट का। उसके बाद सभी पार्ट का 3D क्रिएट कर लें पुश और पुल कमांड से, जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं। उसके बाद इसे मूव करके असेंबल कर लें।
और इसमें मटेरियल अप्लाई कर दें।
अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो कृपया इस चैनल की सदस्यता लें और इस वीडियो को पसंद करें। अगर आपके पास वीडियो के लिए कोई सुझाव है तो कृपया टिप्पणी करें।